नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा रस्तोगी और आप देख रहे हैं लाइव टुडे। आइए रुख करते हैं खबरों का। मसूद अजहर पर बैन को लेकर विपक्ष सरकार को निशाने पर लिए हुए है। विपक्ष का कहना है कि सरकार मसूद अजहर के मुद्दे को चुनाव में भुनाना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसे राष्ट्रीय गर्व का विषय बता रही है। देश के गृह मंत्री और लखनऊ से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह, इस विषय पर क्या कहना है उनका, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अवनीश कुमार ने राजनाथ सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। राजनाथ सिंह जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। 2014 में एक बड़ी जीत हासिल की थी, अब एक बार ये कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन लाइव टुडे की खास बात में वो आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2014 में जिस तरीके की जीत मिली थी, एक बड़ी जीत मिली थी, फिर वो इतिहास दोहराया जाएगा? 2019 में 2014 की अपेक्षा जनसामान्य का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एनडीए के प्रति और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बढ़ा है। क्या लगता है आपके सामने, प्रमोद कृष्णा में कांग्रेस से, पूनम सिन्हा हैं, कि कोई ऐसा दांव पेच है जो वो कहीं प्रभावित कर पाएंगे? नहीं नहीं, किसी के बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। एक बार फिर काफ़ी एक बड़ी, भारत अपने कूटनीति में सफल हुआ है, अजहर मसूद पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा हुई है। आपको क्या लगता है कि भारत की ये कितनी बड़ी जीत कहे पे? अजहर मसूद? नहीं नहीं, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। विगत एक दशक से ये कोशिश हो रही थी कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संयुक्त राष्ट्र संघ घोषित करे, तो अब जाकर हमारे प्रधानमंत्री की कूटनीतिक कुशलता का ये परिणाम है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। अब उनके गुनाहों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें सजा मिलेगी। एक आखिरी सवाल कि ये लगातार विपक्ष ईवीएम पे निशाना साध रहा है फिर से, अब जबकि मतदान हो रहा है, उसके बाद चुनाव आयोग भी निशाने पे है, जबकि 2014 में देखा गया था जब रिजल्ट आया था उसके बाद ईवीएम निशाना बना था। जब जब रिजल्ट आ जाते हैं उनको लगता है कि रुझान भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में जा रही है, तो ईवीएम खराब हो जाती है। मतदान के लिए अपील करेंगे लखनऊ की जनता? सभी से मैं मतदान करूंगा कि लोकतंत्र एक बड़ा पर्व है और इस पर्व में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सबसे विनम्र अनुरोध है कि वह निश्चित रूप से मतदान करें, अपने पूरे परिवार को साथ लेकर मतदान करें। तो हमारे साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनका साफ साफ कहना है कि उन्होंने जो बड़ी कूटनीति बनाई है और एक सफल तरीके से वह शासन चला रहे हैं, और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ अवनीश कुमार, लाइव टुडे, लखनऊ।